हाँ जी अर्चना जी, टीवी से बोल में स्वागत है। हम अवार्ड तो आपको मिलते रहेंगे, घर एक बनाना पड़ेगा रूम इसके लिए। मुझे पता है कि आप इतने खूबसूरत अदाकारी हो, सिंपल करती हो, पर वही बवाल हो जाता है। दिल से करती हो आप, दिल से करती हो। मेरे सुर्खियों से मतलब सूत्रों के द्वारा पता चला है आप पिक्चर दो साइन की हो आपने। एक तो रोहित से ठीक है जिसमें आप कर रहे हो, हैं दूसरा आप कहीं यूपी के डायरेक्टर है क्या है, सूत्रों के हवाले से पता चला है क्या, कहाँ तक सच्चा है वही तो सूत्र पाल कर रखे हमने। क्या है वो सूत्र कि हमें पता चला बहुत जल्दी 2024 में आप धमकदार देखने पाएंगे हम। सोचते हैं जैसे पहले उन्होंने बोला था खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले भी स्टंट नहीं कर पाएगी, सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, तो एक था कि नहीं, तो उन्होंने अब देखा होगा कि मैंने सारे स्टंट में मैं जीत रही हूँ। उसके अलावा एक थॉट ये भी है, अरे ये कहाँ फिल्में करेगी, इसको कहाँ आती है एक्टिंग करना, तो मैं चाहती हूँ इस चीज़ को भी मैं गलत प्रूव करूँ कि मुझे एक मौका मिले और मैं उसमें अपनी एक्टिंग को दिखाऊँ, मेरा अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाऊँ, तो ऑफकोर्स मैं दिल से चाहती हूँ कि ऐसा। मतलब कहने का मतलब जो बोलने वाला बोल रहे तो आप अपना काम करता रहो। तो आपने वहाँ पर कॉकरोच बिच्छू मगरमच्छ सबसे आप खेले खेले, कौन आपको परेशान किया सबसे ज़्यादा, कौन आपके प्यार किया सबसे ज़्यादा? मुझे परेशान किए हाइट, क्योंकि हाइट से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे पता नहीं था मुझे हाइट से डर लगता है, बट वहाँ जाके पता चला कि मुझे हाइट का फोबिया है, तो मुझे बहुत डर लगता है। वहाँ पर शेर चीता जिसका फैन, शेर चीता से मुलाकात, तो कुछ बातें हुई, मीटिंग हुई आप सबसे? मैं एक आखिरी सवाल मैं पूछना है, जो इंडस्ट्री में आते हैं एक दो शो करते हैं, हर लड़की किसी न किसी टैग या टोल होता है, भाई इसके साथ अफेयर है, इसके साथ अफेयर है, आपके साथ तो अभी तक है कुछ ऐसा कुछ है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है ये करने की, पब्लिसिटी पाने की, मुझे ऐसा लगता नहीं। जब कोई दिल से आएगा मेरे पास लाइफ में, फिर चाहे वो एक्टिंग एक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, तो वो दिल से आएगा। तो फिर ये कि मैं लाइफ टाइम तक ना एक मतलब मुझे रिश्तों के साथ खेलना नहीं आता कि आज ये बॉयफ्रेंड बना लिया कल ये बना लिया, नहीं, मैं चाहती हूँ कि कोई एक आए उसी के साथ में लॉन्ग टाइम कर सकूँ। आप जब गए थे साउथ अफ्रीका वहाँ तक आए थे, आपके पास गोरा चिट्टा आदमी आए, तो एक नहीं पता नहीं कितने सारे फॉरेनर आए थे जिनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी और वो एक एपिसोड का पार्ट थे। अच्छा इसलिए आया था, मतलब कोई आया था आपके लाइफ में? थैंक यू सो मच। आखिरी में आपको पूरा नाम और टीवी से बॉलीवुड तक, अर्चना गौतम जी बोलिए नाम। हाय गाइस, मैं हूं अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड तक। वाह वाह वाह, सुपर, थैंक यू।